चंडीगढ़ के सरकारी सिक्ख्या तकनीकी उद्योगिक विभाग में बतौर कलर्क काम करने वाली कुलदीप कौर वालों आत्महत्या का मामला शांत होने का नाम नहीं लै रहा। 6 दिन बीत जाने मगरों भी परिजनों वालों कुलदीप कौर का अंतम संस्कार नहीं किया जा रहा और इंसाफ की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। बीते दिन अकाली दल पार्टी के प्रधान सुखबीर बादल मृतक के परिवारक मैंबरों मिले और मौके पर ही उन्होंने SSP को जल्द मामले की जांच करने की गल कही। उन्होंने कहा कि दोषियों को सज़ा दिवाने लिए पार्टी हर कदम उन्होंने नाल है। मैनू शर्मा जी ने दुख की घड़ी पर सारा जानू कराया। एक अपनी बेटी कुलदीप कौर नू मजबूरन आत्महत्या करनी पई क्योंकि उन्हां दे उत्ते जिवें शोषण किया गया सुसाइड नोट विच उन्होंने सारा कुछ जिक्र किया। पर अफसोस इस गल दा है कि सरकार तरफों प्रशासन तरफों कोई जिस तरीके ना इंसाफ देना चाहिए दोषियों फड़ना चाहिए उस तरीके की कोई कार्रवाई की नहीं गई। ऐ लगता है कि जो दोषी है उसका संबंध किसी सरकार दे कोई अफसर या किसी लीडर ना होना है। पर तुसी चिंता ला दिओ मैं हुणी SSP नाल गल की है। मैं क्या जे भावें परचा कहिंदे रेलवे दे विच है मैं क्या मतलब रेलवे का नहीं पंजाब पुलिस का काम है। SSP नूं मैं क्या जे जल्दी तुसी नहीं पढ़िया फिर श्रोमणी अकाली दल नूं कोई कार्रवाई करनी पैनी है। मैं शर्मा जी की भी ड्यूटी लाई है। मैं क्या आ लड़ाई तुसी लड़ो इंसाफ थोड़ा अपना हल्का तुसी अपने सेवादार हो इस हल्के ते साडी पार्टी तरफों जो चीज़ की सहयोग की लोड़ है मैंने क्या पूरी पार्टी नाल है। मैं तुम्हें इन्ना कहना चाहना भावें मैं DGP ना गल करनी पई जोड़ पे तो असी हाई कोर्ट से रिट करनी पई वो सारा कुछ असी करांगे। जल्दी तो जल्दी साडा निशाना एक होना कि इंसाफ मिले। हालात यह जे है कि जी प्रेजेंट सरकार है सरकार नाम की चीज़ ही नहीं क्योंकि मुख्यमंत्री आप ही गायब है पता नहीं लगता कितों कौन लभ सकता उन्हें एंड रिमोट कंट्रोल चीज़ा चली जाए। मैं इस गल जानना नहीं चाहता पर मैं इन्ना कहना चाहना है तो तुम्हें पता ही मैं कितने लारे लाने वाला बंदा नहीं कि जो तक इंसाफ नहीं मिलता असी थोड़े नाल डट के लगे हैं। तो शर्मा जी तो साड़ी पार्टी की टीम भावें वकील करना पे कोर्ट वास्ते जाना पे या इतने अफसरां को घेराव करना पे या SSP दफ्तर करना पे या प्रेशर जो जिस किस्म का श्रोमणी अकाली दल अगे होके लगेगी इन्ना ही कहना सी। तो परिवार को मैं पूरा दसना चाहना किसी हर चीज़ की सपोर्ट परिवार को किसी चीज़ की लोड़ हो शर्मा जी थोड़ी जिम्मेवारी है तुसी करके दिओ जिथे मेरी लोड़ है तुसी मैनू दस दिओ। सारी एड से असिस्टेंस जी हेल्प हैगी है जी विक्टम की फैमिली उन्होंने प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सानू पूरी उम्मीद है कि रल मिल के जो सारी यूनिट्स इतने काम कर रही हैं अभी जल्दी ये बारे मैडम कल्ली रेलवे पुलिस अच्छे कह के साफता दे हुण काफी छे दिन सारे असी नाल खड़े हैं इन्हां दी फैमिली नाल साडी मैं मीटिंग की SSP साहब ने की है। हाँ जी असी इन्हां नूं अश्योरेंस भी दी है वी आर मेकिंग ऑल एफर्ट्स कि जेडे अक्यूज ने जो कल्प्रिट्स ने उन्होंने जल्दी तो जल्दी अरेस्ट किया जाए। मैम इन्हें तो कहना यह है कि असी उस दिन ही कहा कि अरैसट किया जाए जो मामला दर्ज हो गया उस तो बाद ही तो उन्होंने ये कहें कि पुलिस ने उन्होंने दौड़न का टाइम दिता है कि एक रात वास्ते जो उस टाइम ही पकड़ा जाता तो शायद इन्ना ना हो। ये बारे जी मैं देखो कॉमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मेरी अधिकार खेत्र तो बहर है पर मैनू नहीं लगता कि यह मैम जिदा बादल साहब कह के गए कि SSP साहब ने कहा कि हम तो एफर्ट करूँगे उन्होंने फड़न अच्छा पहला भी एफर्ट कर रहे थे जी अभी कल नहीं मैं DSP साहब सारे जोड़े इतने आ गए मीटिंग करके गए हैं उस तो पहला भी साड़ी गलबात चल रही थी कि जिड़ा भी इन्होंने दो बंद जो सू उसका नाम दिता सारे एफर्ट करा मैडम एक डेड बॉडी है जो हाली हॉस्पिटल में पी है क्या इन्होंने समझाया नहीं जा सकता कि उन्होंने डेड बॉडी का संस्कार किया जाए 5-6 दिन हो चुके हैं। साडे वालों जी इन्हों बार बार इस गल की रिक्वेस्ट की जा रही है बाकी ये क्योंकि ये फैसला परिवार का है साडे वालों बार बार इन्हों अपील रिक्वेस्ट की जा रही है कि इनू असी सारे रल मिल के जोड़ी गल हुई परिवार मैंबर ने की मांग की थोड़े सामने हुई है जी गल सारे की तुम भी जानते हो इस गल को कह रहे हैं कि जी है अक्यूज की अरैसट की जा रही है। थैंक यू।
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਅਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।